गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का रण, आज 5:30 बजे थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। संसद का शीतकालीन सत्र, जनहित के मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरने की कांग्रेस की तैयारी। मरुद्रा में सर्दी ने छुड़ाई धूजनी, माउंट आबू और फतेहपुर में पारा जमाव बिंदु के करीब। सीएम अशोक गहलोत कोटा और झालावाड़ दौरे पर, मुख्यमंत्री ने कोटा शहर में करवाए गए विकास कार्यों का लिया जायजा। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार का आदेश, दिल्ली में ड्राई डे 4 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक रहेगा और 7 दिसंबर मतगणना तारीख को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। 24 दिसंबर को आरसीए के चुनाव, विस्तृत कार्यक्रम जारी, चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा कराएंगे इलेक्शन। द्रव्यवती नदी योजना में साफ सफाई का काम शुरू, 69 दिन बाद टाटा प्रोजेक्ट की ओर से किया जा रहा काम। कोटा में 2 अलग अलग नहरों से किए गए 2 शव बरामद, बुजुर्ग और 1 महिला का मिला शव। भरतपुर के सिकरौरा तिहरे हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5,000 का इनामी बदमाश नीरज गिरफ्तार। उदयपुर में सेना के जवानों को ले जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, सभी सैनिकों ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। मसूदा की बाड़ी घाटी में लगी भीषण आग, 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। बीकानेर में युवक पर फायरिंग का मामला आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 13 लाख रुपए की शराब को जब्त किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश के महुदिया से हुई शुरू। उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टैक्सी ड्राइवर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में नकली घी बेचने वाला युवक गिरफ्तार, नकली पारस घी के 2 कार्टून भी जब्त। झुंझुनू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डकैती की योजना बनाते 3 आरोपी गिरफ्तार, 6 पिस्टल भी बरामद। झालावाड़ में लोडिंग गाड़ी में लगी आग, आग से सामान जलकर हुआ राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आसिंद में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के टावर पर चढ़ने का मामला आया सामने, मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप, 2 क्विंटल 51 किलो डोडा चूरा बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। जैसलमेर के नोक में हजारों की संख्या में हुई पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। झालावाड़ में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ ने किया कार्य बहिष्कार, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। प्रतापगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिलाओं को नकली गहने बेचकर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। रामदेवरा में 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने किया शुभारंभ। 8 दिन बाद गिरावट में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 415 अंक गिरा तो निफ्टी 116 अंक टूटी। सुष्मिता सेन के भाई राजीव ने पति पर लगाया आरोप, कहा पत्नी चारू ने व्यूज पाने के लिए बेटी जयाना का बखूबी से यूज किया। एक्ट्रेस हंसिका को जयपुर में लगी शगुन की मेहंदी, 4 दिसंबर को सोहेल संग लेंगी साथ में। फिल्म सर्कस का ट्रेलर हुआ आउट, फिल्म 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।